ऑनेस्टली मैं बहुत हाल ही में जानी हूँ, निधि से मेरी मुलाकात बहुत हाल ही की है, और बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। आई मीन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया है, जिस तरीके से वो इंडिपेंडेंट गई हैं, और जिस तरीके से उन्होंने इमेजिन ना, आज आप सब हैं उनके साथ, तो आई थिंक यू गाइज आर द बिगेस्ट प्रूफ दैट शी इज़ डूइंग वेरी वेल, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। मुझे भी ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं निधि के साथ, आई एम श्योर 400 साल भी हो जाएंगे अगर हम लोग रहे तो। एंड आई थिंक कोई और जोड़ी रहे ना रहे, निधि और मेरी जोड़ी हमेशा रहने वाली है, बिकॉज आई रियली कांट डू विदाउट निधि। आई एम वेरी हैप्पी कि निधि ने हमें यहाँ बुलाया, बिकॉज दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस, बहुत ही अच्छी वाइब है। येस आई थिंक मेरी बर्थडे वीक की पार्टी तो निधि ने ही दे दी, तो आई थिंक एक पार्टी तो आज हो गई है, एंड बाकी एक येस सो निधि इज नॉट देयर फॉर माई बर्थडे, तो इसीलिए एक पार्टी यहाँ पे, एंड बर्थडे के दिन एक फाइनली इस बार मैं बहुत अच्छी पार्टी थ्रो कर रही हूँ। यूजअली मैं अपना बर्थडे कम सेलिब्रेट करती हूँ, बट इस बार मेरे पास बहुत सारे रीजन से सेलिब्रेट करने। वेल मैं निधि को तब से जानता हूँ जब ये जब उसकी शुरुआत हुई थी, तो आई हैव सीन ऑल द साइड्स ऑफ हर, ऑल द गुड एंड द ग्रेट साइड्स, एंड और बहुत सारे ऐसे दोस्त जुड़े हैं, एंड आई थिंक आई एम, मैं जिन लोगों के साथ भी काम करता हूँ मुझे यही पसंद है कि एक टीम वर्क भी हो, साथ में फैमिली जैसा एक रिलेशनशिप रहे। मुझे नहीं लगता आज मुझसे ज़्यादा कोई खुश होगा, बिकॉज थ्रू आउट द जर्नी आई थिंक मैं निधि के साथ हमेशा से ही था, एंड निधि इज रियली वेरी वेरी स्वीट गर्ल, शी इज़ अ स्वीट हार्ट एंड शी इज़ लाइक अ फैमिली नाउ, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि निधि की कंपनी, मुझे लगता है मेरी है। मैं बहुत खुश हूँ निधि और उनके टीम के बारे में कहना चाहूँगा कि इससे अच्छी टीम नहीं हो सकती और निधि से अच्छी लड़की नहीं हो सकती। शी इज़ द बेस्ट इन एवरी विच वे, शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग फर्स्ट ऑफ ऑल। आई बिलीव हम जो भी काम करते हैं ज़िंदगी में, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए कि एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अगर हम एक अच्छे इंसान है तो हम हर काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जीज़ अ वेरी वेरी नाइस। इट इज़ वेरी स्पेशल एंड प्राउड फॉर मी, बिकॉज आई रिमेंबर जब हमने स्टार्ट किया था, हम कोविड के टाइम पे थे जी, हम मिले भी नहीं थे, हमने फ़ोन पे बात किया, लगभग 10 मिनट खाली बात की, बाकी 40 मिनट हमने खाली लाइफ जिंदगी कैसे चलती है उसके बारे में बात की, एंड आई गेस देयर वाज अ कनेक्ट, एंड उस वजह से हम साथ में जुड़े, नॉट बिकॉज एक क्लाइंट या एक पीआर का रिश्ता है, वी आर फ्रेंड्स, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, इज अ वेरी नाइस पर्सन, एंड इट मीन्स अ लॉट दैट ही इज कम फॉर मी। एक्चुअली आई एम हियर फॉर निधि, शी इज़ बहुत ही प्यारी लड़की भी है, बहुत मेहनती लड़की है, उसने अपने दम पे अपना पी आर कंपनी खड़ा किया है, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, एंड आई थिंक वी हैव गॉन बैक एवर सिंस शी बिगन हर करियर, एंड मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे बर्थडे पे ही उसने अपनी कंपनी लॉन्च की थी, वो मुझे काफ़ी दिनों बाद पता चला, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, एंड ऑफ कोर्स मेरा बर्थडे है, मुझे भागना है, बट आई हैड टू बी हियर फॉर हर। आई एम वर्किंग विद देम फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मेरा पहला महीना है, एंड इट्स जस्ट स्टार्टेड, बट द वे दे हैव इंटरेक्टेड विद मी, जिस तरह से इन्होंने मेरे साथ इंटरेक्शन किया इवन बिफोर द मंथ हैज गॉट ओवर, आई फेल्ट दैट आई शुड सी द फेसेस बिहाइंड द नेम्स, and we reception 27th ko, so I thought I'll let me meet the team who will be, you know, figuring out the reception on 27th, and I thought let me just come wish them, because they are very very hard working people, and I think we need to appreciate that. Main bahut sari wishes dena chahungi aur kya kahungi, bahut sara congratulations, aur itna formal main rehti nahi hu nidhi ke sath, वी हैव अ वेरी वेरी क्लोज रिलेशन टचवुड, एंड आई रियली होप कि ऐसे ही ग्रो होता रहे, वो लोग बहुत ग्रो होते रहे। आई थिंक प्लैनेट मीडिया एज अ टीम इज़ अमेजिंग, एंड वॉट डे डू इज़ फैब फैब वर्क, सो आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट दे आर अ पार्ट एंड एन एक्सटेंशन ऑफ माई टीम, सो कंग्रेचुलेशंस। I would like to wish them
lots of luck and lots of love and prosperity and success. Or they add more feathers to their cap. And मैं चाहूँगी कि बहुत साल चले, another 100 years, another, like it should go on and on. मैं निधि को पिछले 2 सालों से जानता हूँ और जब से जानता हूँ मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही सिंसियर है. उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को उन्होंने सहारा भी दिया है, उन्होंने हेल्प भी किया है, उन्होंने आगे खेला भी है. सो आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ अ टीम एंड कांग्रेचुलेशंस टू निधि. Oh, it's superb. Nidhi is really hard working. I have seen her working. She is matlab, you know, what do you say, a proper workaholic. And aise 4 years hue hain, but it doesn't come across 4 years. Matlab the way they deal, the you know, how professional they are, it doesn't seem that it's 4 years. Aisa lagta hai ki she's been in the industry since long. Yeah, she's just there and smiling and giggling. But yeah, but that's true. And she is someone you know, with whom I think of the actors she handles, you know, the work and all, they feel very comfortable sharing their, you know, whatever they want to share. So I think that's a very good thing. So yeah, I'm so happy for Nidhi and her team. Abhi to 4 years hue hain. I hope 4 ke 5 ho and 5 ke 10 ho, 10 ke 20 ho aur ye silsila aise hi aage badhta rahe. So heartiest congratulations to the team and just keep up doing the great work. बहुत ही passionate team है, बहुत ही hard working team है. बहुत अच्छे से वो सुनते भी है, समझते भी है artist को, और वो मैसेज भी पहुंचाते हैं जिस तरीके से पहुंचाना चाहिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट सब कुछ तो नहीं कर सकता, है ना. स्वीट एंड ऑफकोर्स नाउ दैट दिव कम्प्लीटेड सो मेनी ईयर्स, यहाँ आके उनको सपोर्ट और कंग्रेचुलेशन बोलना तो बनता था. तो आई एम श्योर मैं बहुत अंदर दोस्तों को भी मिलूंगी और आप लोगों को मिल चुकी, तो आई एम वेरी हैप्पी. एक्चुअली आई वांट टू से अ वेरी हैप्पी कंग्रेचुलेशन टू निधि जी एंड द होल टीम, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट I'm working with her, and she's great. She's a great dynamic woman and a very hard working woman. And to the whole team, the whole team is very dynamic, and I'm very happy that I am with her. मैंने तो इसकी जर्नी 4 साल से पहले देखी है. आई थिंक निधि ने बहुत मेहनत की है लाइफ, यानी सब करते, बट मैंने इसको एक्स्ट्रा इंटू 10, मुझसे ज़्यादा इंटू 10 मेहनत की है. सबसे अमेजिंग टीम है, मेरा भी काम सब संभालती है निधि, एंड आई थिंक सब हम लोग सब मिलते ही है हर जगह पे, बट ऐसे लोगों से मिलना जो हम लोग को, यू नो, एक आर्टिस्ट को एक सही गाइडेंस, एक अच्छा डायरेक्शन, हर एक, नॉट जस्ट एक्टर्स, आई थिंक म्यूजिशियंस, हर टाइप ऑफ, यू नो, आर्टिस्ट कम टू निधि बिकॉज दे बिलीव कि उनके डायरेक्शन ऑफ टुवर्ड्स देयर करियर एंड इमेज, शी हैज़ अ ब्रेन एंड अ हार्ट विच इज़ ब्यूटिफुल.